सो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरे FZ25 का जो सेकंड सर्विस था उसका ओवरऑल कॉस्ट। सो पहले मैं बता दूँ उसका कॉस्ट, उसके बाद पूरा वीडियो देखना आप लोग, सही है? सो इंजन ऑयल और फिल्टर लेके हुआ है 676 रुपीज़, और FI सिस्टम को चेक करवाने के लिए हमको लगा 250 रुपीज़, मतलब टोटल हुआ 926 रुपीज़। FI सिस्टम चेक करवाने का 250 अलग से लगा, क्योंकि वो मेरा गाड़ी में लास्ट 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। सो पहले लगा तो बैटरी का प्रॉब्लम है, फिर बाद में पता चला कटआउट का प्रॉब्लम है, फिर जब सर्विस सेंटर जाके पता चला, वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि जो सेल्फ मोटर आता है गाड़ी पे लगा हुआ रहता है, उस वो सेल्फ मोटर का प्रॉब्लम है। सो 5,000 का फटका लगने वाला था। सो चलो पहले तो पूरा वीडियो देख लो मेरा। जो बाइक है वैसे ही धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ रहा है। सो मैंने आज डिसाइड किया कि आज सर्विस सेंटर लिया जाएगा, और अभी स्टार्ट तो फिर से नहीं हो रहा, सो फिर ट्राइंग करना पड़ेगा। सो स्टार्ट हो गया, अभी बिना रुकाए डायरेक्ट सर्विस सेंटर, वो भी बाराईपुर। छोड़ दे नहीं भैया, तो गाइस अभी एक बात ध्यान में रखना है, कुछ भी हो जाए बाराईपुर जाने से पहले स्टार्ट बंद नहीं करना है, अगर बंद किया जाएगा तो फिर से इसका धक्का लगाया जाएगा। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जरूस ब्लॉग। आज दो काम एक साथ किया जाएगा, पहला तो गाड़ी का सर्विस का जो डेट है, मतलब किलोमीटर है, वो ऑलमोस्ट 5000 के पास आ गया है, 4685 किलोमीटर चल चुका है। और सर्विस सेंटर से फर्स्ट सर्विस के टाइम कहा था कि 5000 किलोमीटर जब हो जाएगा तब सर्विस करवाना, सेकंड सर्विस। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ जा रहे हैं, और ऊपर से ये कटआउट का भी प्रॉब्लम आ गया, सो सोचे कि एक ही साथ दोनों प्रॉब्लम दिखा दे। तो चलो वहाँ पे जाके मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है और कितना टाइम लगता है, और सर्विस कॉस्ट भी बताते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पाटुली मोड़, यह है गोड़िया मोड़, और हम लोग को जाना है स्ट्रेट। इस बीच अच्छा बात यह हुआ कि मुझे सिर्फ दो सिग्नल मिला, एक कालिकापुर में और एक यहाँ पे गोड़िया में। सो बंद फिलहाल तो बंद, अभी तक गाड़ी किल स्विच में हाथ नहीं गया है, अगर बाई चांस चला गया तो फिर हो गया। अभी क्या है कि रोड का व्यू तो कुछ दिखाने का है नहीं, सो आप लोग मेरा जो लास्ट 2 दिन से बाइक घर पे पड़ा हुआ था कटआउट का प्रॉब्लम की वजह से, सो उसका कुछ फुटेज देखो, तब तक मैं सर्विस सेंटर पहुंचता हूँ, आप लोगों से मिलते हैं। ओके चलो। तो गाइस अभी है डे सेकंड, मतलब 2 दिन से मेरा गाड़ी जो है डेड होके पड़ा हुआ है बैटरी। अभी क्या है ना, लोकल एक पंचर दुकान पे आए हुए, और यहाँ पे सल्फर जम गया था, सो गर्म पानी, सल्फर, हम खटनी, अब जाते हैं
एक दोस्त के दुकान है वहाँ पे, और गर्म पानी बाजू वाला जो घर है वहाँ से मांग के लाए थे। सो वो सल्फर तो वो सब हट गया, मतलब आपका भी कभी अगर हो, या तो एसिड या तो सल्फर दोनों, या तो एसिड या तो गर्म पानी कुछ भी से आप साफ कर सकते हो। तो चलो अब इसको खोलने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर जो रेंज है इससे हो नहीं रहा है, ये 8 नंबर का रेंज है और ये क्या हो रहा है। कल भी सेम प्रोसेस कर रहे थे हम, लेकिन नहीं हो पाया, ये पूरा घूम रहा है। सो इसके लिए हमको लगेगा नंबर 6 का रेंज। सो गाइज, ही इज माई वन ऑफ द सब्सक्राइबर और बाराईपुर में भेंट हुआ। तुम्हारा नाम था की बोल रहे? सोमित। सो अभी थोड़ा बात कर रहे हैं, सर्विस सेंटर सामने ही है, चलते हैं। चलो चले ऐसे सर्विस सेंटर दारा में ना कि चा फा खा तले हमें गाड़ी ढुकी है तले आसती ना कि दारा तले। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेंटर। सो चलो अंदर पहले ये देते हैं, फिर इस भैया से मिलते हैं। काफी अच्छा तो लगा। टिडिंग 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 विवस। सो गाइस अभी क्या है ना कि 2-3 दिनों से मेरा वार्ड लगने वाला है, अभी सर्विस सेंटर आए हुए हैं, सर्विस का बुक ही नहीं लाए, तो फिर वापस जाना पड़ेगा हमको, फिर मतलब डबल खटनी। और यहाँ पे एक भैया से भेंट हुआ सोमित, सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अभी 4-5 पिए, अभी जाते फिर घर, फिर सर्विस का बुक लाते, उसके बाद फिर सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। अभी तो आज वाट लगने वाला है, और मेरे साथ राजदीप आया हुआ है, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, हमको अकेला आना पड़ेगा। तो चलो भैया से मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। और इनका एक बाइक है जो 12 साल पुराना है, ऑलमोस्ट 19 साल पुराना है, यामा YTX। सो अभी भी टॉप नॉच कंडीशन पे है। तो चलो बाद में मिलते रहेंगे हम लोग, अभी घर की तरफ रवाना होते हैं। तो अभी क्या है ना कि 950 का फटका लगने वाला है, और जो वो कटआउट का प्रॉब्लम आ रहा है, वो उन लोग बोल रहे हैं कि FI सिस्टम को वो जो जितना सेंसर आता है उसको पूरा एक बार चेक करने के लिए, तो उसका 250 कॉस्ट आएगा। कौन जाए जी इस पर? तो अभी घर जाते हैं सोनापुर गोरिया। तो 5 बजे आना है, सभी सेंटर जाना है, और अभी बज रहे 1:30, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद आना है। अब देखते कैसे आ पाते हैं, तो काफ़ी जैम वाले रास्ते हैं, ऑटो और बस से पकड़ के आते हैं। तो गोकुल को फ़ोन किया जाएगा। गोकुल भाई 2000 years later। देखते देखते जब आली आ चुकी, तो सामने तारी होगी जब आ दी गई। हाँ
सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7 और इतना देर से मेरा गाड़ी का काम चल रहा था। पूरा किस्सा बताते हैं घर में जाके। सो चलो आज का तो मेरा अपना दुकानदारी गया, फाइनली जो प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो गए। स्टार्ट नहीं ले रहा था, बैटरी का तो प्रॉब्लम नहीं था वो जस्ट। सो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और घर में जाके आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं और रिंटू भी अपना स्टूडियो के सामने खड़ा है। रिंटू ने आज काफ़ी हेल्प किया है। सो रिंटू ने काफ़ी आज हेल्प किया है। तो गाइस वीडियो यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर गया उन लोगों ने बताया कि मेरा जो सेल्फ मोटर है वो खराब हो चुका है और वो मेरा वारंटी पीरियड में नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा जो मोटर है वो सर्विस पीरियड में नहीं होगा क्योंकि आप वायरिंग का काम करवाए हो। मैंने सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट लगाया हुआ है, चार्जिंग हब जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा जो मोटर है वो सर्विस पीरियड में नहीं होगा। और उस मोटर का जो प्राइस है वो था 5100 समथिंग कुछ था। सो मेरा तो फ्यूज उड़ गया, अभी तो 5000 का फटका लगने वाला था। सो मैंने क्या किया, उस कोई जो सर्विस मैनेजर थे उनसे उनको थोड़ा समझाए, थोड़ा जोड़ा जोड़ी किए, समझ रहे हो ना, जोड़ा जोड़ी मतलब बातचीत किए थोड़ा बहुत, तो उनके बाद वो राजी हुए। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैंने पे किया था, 200 रुपीज अलग से उनको कि ये काम कर देने के लिए। सो थम्स अप। और रिंटू ने भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि नहीं तो 4 बजे वहाँ पर जाना फिर वापस आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। तो थम्स अप रिंटू, थम्स अप राजदीप। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइल। टाटा। और हाँ, मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल पे जाके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एक कमेंट कर देना। ओके, तो चलो टाटा।